हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एग पराठा, यानी कि अंडा पराठा। उसके लिए हमने लिया है एक अंडा, एक अनियन और दो हरी मिर्च। सबसे पहले हम एक लोई ले लेंगे, लोई ले ली है एक, उसको हम बेलेंगे। इसको हमें ट्रायंगल में एक पराठा बनाना है, ट्रायंगल शेप में या सर्कल शेप में, गोल शेप में, आप जैसे बना सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे, ये हमने इसमें ऑयल लगा लिया है। मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ इस पराठे को। ये हमने देखिए ट्रायंगल शेप में एक पराठे को बेल लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। इस पराठे को हमने तवे के ऊपर डाल लिया है। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम अंडे को फेंट लेते हैं। ये हम अंडे को फेंट रहे हैं थोड़ा। और ये मैंने अनियन पहले से कट कर लिए, और ये हरी मिर्च है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा ही नमक, थोड़ा ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि पराठे के अंदर भरना है तो थोड़ा पराठे की क्वांटिटी का भी डालना है। वैसे आपको जैसा पसंद है आप वैसे। ये हल्दी, ये लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल रखी है इसमें। और अब हम इसको फेंट लिया। अब दूसरी तरफ हम ये पराठा हम देख लेंगे। और फ्रेंड्स, करना क्या है कि आप लोगों को इस पराठे को यहाँ से खोलना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल लगा रखा है तो ये इजीली खुल जाएगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ही खुल रहा है, ये देखिए अपने आप ही खुल रहा है यहाँ से। हल्का सा हम दूसरी टाइप साइड से भी खुल रहा है यहाँ से, सही है। ये देखिए ये खुल गया है पराठा। अब हम इसके अंदर ये जो हमने अंडा फेटा है, और अभी हम फ्लेम थोड़ा लोई पे रखेंगे, और हम एक हाथ से इसको और एक हाथ से इसको डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। और हमें पहली बार इसको जब पलटाना है तो यहाँ से हमें इसको ऐसे इसका मुंह बंद करके फिर पलटाना है। अगर हम यहाँ से पलटाएंगे इसको तो ये अंडा पूरा बाहर आ जाएगा। यहाँ से लेके हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे, दूसरी तरफ भी ऑयल ऐसे ही लगाएंगे हम। ये देखिए कहीं से भी हमारा अंडा बाहर नहीं निकला है, ये देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बना है। ये देखिए एग पराठा बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी खाइए, अपने घर में बनाइए।
फ्लेम थोड़ी लो रखेंगे क्योंकि अंदर एग को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए खुद ब खुद कैसे पराठा फूल गया है, ये देखिए। ये हमारा पराठा बनके तैयार है। हम इसको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकाल के हम इसको हरी मिर्च के संग सर्व करेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके बताइए कि पराठा कैसा लगा। ओके, थैंक यू।